कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण नगरी मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम योगी ने कहा है कि मथुरा में अब मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। सीएम योगी सोमवार को मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर कहीं भी मांस मदिरा की बिक्री ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन से उन्होंने कार्य योजना बनाने का निर्देश दे दिया है और कहा है कि जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं उन्हें पुनर्वास के रूप में दूध बेचने जैसे कामों में लगाया जा सकता है। इससे एक बार फिर से मथुरा में दूध दही की नदियां बहेंगी। योगी ने इस मौके पर श्री कृष्ण जन्म स्थल में पूजा अर्चना भी की। मंदिर में प्रवेश करते हुए उन्होंने बांके बिहारी के चरणों में माथा टेका। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी की। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने आज प्रदेश में देश को न केवल नई दिशा दी है बल्कि सैकड़ों वर्ष से उपेक्षित पड़े आस्था के केंद्र भी वापस आ रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति अयोध्या गए, इसी प्रकार आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अयोध्या गए जहां पर राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति सांप्रदायिकता झलकती थी, जो मंदिर जाने तक से जाने से डरते थे। वही वर्तमान सरकार राम और कृष्ण के जन्म के स्थलों को बेहतर बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले हिंदुओं के त्योहारों पर बिजली, साफ सफाई, समय आदि की बंदिशें लगती थी, पर अब उसके विपरीत है। उनका कहना था कि आज आध्यात्मिकता को सुरक्षित रखते हुए विकास और तकनीक के नए युग के लिए तैयार करना है। मथुरा में फैले डेंगू मसले पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह पूर्व मथुरा में भी कुछ बच्चों के डेंगू की चपेट में आने से जानकारी मिली थी। तब 6-7 बच्चे इसकी चपेट में आकर असमय काल क्वलित हो गए थे। फिरोजाबाद में भी मथुरा के समान ही अनेक बच्चे डेंगू आदि मौसमी बीमारियों से असमय ही काल के हाथों जान गंवा बैठे। उन सभी परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद है, लेकिन बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है, इसलिए सावधानी और सतर्कता के साथ हम बचाव के सभी उपाय करें तो महामारी हमारा बाल विभाग नहीं कर पाएगी। यह धरती तो भगवान की लीला की धरती है, उस समय दृश्य शत्रु थे, भगवान ने उससे मुकाबला किया था, हमें राह दिखाई थी। आज अदृश्य शत्रु के रूप में कोरोना आया है, पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसी आस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन जो बनाई गई हैं उनका पालन अवश्य करें।